हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम सीखने वाले हैं मेन वर्ब्स। दोस्तों मेन वर्ब्स क्या होता है आप जानते हैं, वर्ब में कोई काम, जो हम कोई काम करते हैं। अब उसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं क्योंकि हम उनको प्रेजेंट में भी यूज़ करते हैं, उसको पास्ट में और फ्यूचर टेंसेस में यूज़ करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि मेन वर्ब्स कितनी ज़रूरी हैं। अगर मेन वर्ब्स अगर आप नहीं जानते हैं, उनके फॉर्म्स नहीं जानते हैं, तो आप सेंटेंसेस नहीं बना पाएंगे, आप टेंस नहीं पढ़ पाएंगे, आप इंग्लिश के सेंटेंसेस बोल नहीं पाएंगे, राइट? तो मेन वर्ब्स ज़रूरी हैं, तो आज हम उन मेन वर्ब्स को ही सीखेंगे। और इसमें हम सिर्फ सीखेंगे नहीं, हम याद करेंगे। आपको इस वीडियो को जितने बार आप हो सके उतने बार देखिए, उतने बार सुनिए, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग्स याद कर पाएँ। तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ बहुत सारे मीनिंग्स, जिससे आपका वोकैब भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आपका वोकैब प्रिपेयर होगा। मीनिंग्स उनके हिंदी, उनका हिंदी मीनिंग क्या होता है, उनका सेकंड फॉर्म और उनका थर्ड फॉर्म, तीनों ही चीज़ें आप इसमें सीखेंगे, जिससे कि आपको आपकी वोकैब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने जाने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेन वर्ब्स। और मैं आपको बता दूं, हम एक वीडियोस की सीरीज लेकर आएंगे जिसमें आपको बाय सीरियल वाइज हम मेन वर्ब्स को याद करेंगे। यानी कि हम लेटर ए से स्टार्ट कर रहे हैं आज, देन फिर हम बी पे मूव करेंगे, देन सी पर मूव करेंगे, और मैं आपको सारी मेन वर्ब्स याद करवाने वाली हूँ। सो मेरे साथ बनी रही है, आज हम याद करते हैं एक से। ओके, आप जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, जो पहला हमारा मीनिंग है अवेक, अवेक का मतलब है जागना। इसके जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म है अवोक और अवोकन। तो आप यहाँ देख रहे हैं इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों ही डिफरेंट है, इसका मतलब ये एक इरेग्युलर वर्ब है। बहुत सारी वर्ब्स जो होती हैं, अब जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं आंसर्ड, आंसर्ड दोनों सेम है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम है, वो होती है रेगुलर वर्ब। और जिन मेन वर्ब्स की सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम ना होकर डिफरेंट होती है, वो होती है इरेग्युलर वर्ब्स। तो मैं आपको दोनों ही पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अवेक, अवेक का मतलब जागना, सेकेंड फॉर्म थर्ड अवेक और अवेकन। एक्यूज, अक्यूज का मतलब होता है दोष लगाना, अक्यूज्ड एंड अक्यूज्ड। अलाउ, अलाउ का मतलब होता है किसी चीज को अनुमति देना, किसी को स्वीकृति देना। अलाउ की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होती है अलाउड एंड अलाउड। नेक्स्ट इज आंसर, आंसर मतलब किसी चीज को उत्तर देना, किसी क्वेश्चन का आंसर करना। तो इसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होती है आंसर, आंसर। नेक्स्ट वी हैव अब्यूज, अब्यूज का मतलब होता है किसी को गाली देना, किसी को अपशब्द कहना। इसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होती है अब्यूज्ड एंड अब्यूज्ड। नेक्स्ट वी हैव एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है किसी को सलाह देना, कोई बात बताना। इसका सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म है एडवाइज एंड एडवाइस। नेक्स्ट वी हैव एडिक्ट, एडिक्ट का मतलब किसी चीज की आदत लगना। जनरली हम इसको बुरी आदत के लिए यूज करते हैं, तो एडिक्ट की नेक्स्ट फॉर्म्स होती हैं एडिक्टेड एंड एडिक्टेड, क्योंकि ये भी एक रेगुलर वर्ब है। नेक्स्ट वी मूव अग्री, अग्री का मतलब होता है किसी चीज से सहमत होना। आप किसी चीज से सहमत है तब आप यूज करते हैं एग्री, और इसके नेक्स्ट फॉर्म्स होते हैं अग्रीड एंड अग्रीड। नेक्स्ट इज अपॉइंट, अपॉइंट मतलब किसी चीज को नियुक्त करना, किसी को जब हम किसी जॉब पे जाते हैं तो नियुक्त करते हैं अपॉइंट। अपॉइंट की नेक्स्ट फॉर्म होते हैं अपॉइंटेड एंड अपॉइंटेड। इनको हम मेनली पास्ट टेंसेस के लिए और परफेक्ट टेंसेस के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट इज एपेटाइज, एपेटाइज का मतलब होता है भूख लगना, भूख लगने के लिए भी हम यूज करेंगे एपेटाइज एंड एपेटाइज्ड। अरेस्ट, अरेस्ट की नेक्स्ट, अरेस्ट का मतलब होता है किसी को गिरफ्तार करना। अरेस्ट की नेक्स्ट फॉर्म्स होते हैं अरेस्टेड एंड अरेस्टेड। आस्क, आस्क का मतलब पूछना, मतलब कोई सवाल पूछना, कोई क्वेश्चन पूछना। इसके नेक्स्ट फॉर्म्स होते हैं आस्क्ड एंड आस्क्ड। नेक्स्ट वी हैव अटैक, अटैक का मतलब होता है किसी पे आक्रमण करना। उसके नेक्स्ट फॉर्म्स होते हैं अटैक्ड एंड अटैक्ड। नेक्स्ट वी हैव अरेंज, अरेंज का मतलब व्यवस्था करना, किसी चीज की तैयारी करना, उसको हम कहते हैं अरेंज। अरेंज के नेक्स्ट फॉर्म्स होते हैं अरेंज्ड एंड अरेंज्ड। नेक्स्ट वी हैव अश्योर, अश्योर का मतलब होता है किसी को भरोसा दिलाना। अब भरोसा दिलाने का मतलब है हम किसी को किसी चीज पर विश्वास करा रहे हैं, वो होता है अश्योर करना, किसी चीज की गारंटी देना, भरोसा दिलाना। उसके भी नेक्स्ट फॉर्म्स होते हैं अश्योर्ड एंड अश्योर्ड। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर जितने भी वर्ब्स हैं सभी के सेकंड एंड थर्ड फॉर्म सेम है, यानी कि ये जितने भी वर्ब्स हम पढ़ रहे हैं ये सभी रेगुलर वर्ब्स हैं। नेक्स्ट वी हैव एड, एड का मतलब होता है जोड़ना, सम करना। इसके नेक्स्ट फॉर्म्स हैं एडिट एंड एडिट। अनाउंस, अनाउंस का मतलब घोषणा करना, कोई चीज बताना बहुत सारे लोगों को, वो होता है अनाउंस। अनाउंस के नेक्स्ट फॉर्म होते हैं अनाउंस्ड एंड अनाउंस्ड। नेक्स्ट वी हैव अपीयर, अपीयर का मतलब होता है कोई चीज हमें दिखाई देना, किसी चीज को देखना। तो अपीयर के जो नेक्स्ट फॉर्म्स है वो होते हैं अपीयर्ड एंड अपीयर्ड। नेक्स्ट वी हैव अराइव, अराइव का मतलब होता है कहीं पर पहुंचना, कहीं हम जाते हैं कहीं पहुंचते हैं तो उसको हम बोलते हैं अराइव। अब आप बोलेंगे रीच का मतलब भी पहुंचना होता है, बट अराइव और रीच थोड़े से डिफरेंस। अराइव मतलब कहीं पर आना,
कहीं से जाकर कहीं पर आना तो होता है पहुंचना, इसका मतलब होता है अराइव्ड एट, अराइव्ड। नेक्स्ट वी हैव अवॉइड। अवॉइड का मतलब किसी चीज को टाल देना, किसी चीज से बचना। इसके भी नेक्स्ट टर्म्स होते हैं अवॉइडेड एंड अवॉइडेड। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आस्क। आस्क का मतलब हमने भी पहले पढ़ा पूछना, लेकिन यहाँ पर आस्क का मतलब होता है मांगना। तो आस्क हम दोनों चीज के लिए यूज करते हैं, कोई क्वेश्चन पूछने के लिए या कोई चीज किसी से लेने के लिए, उसके लिए भी हम आस्क यूज करते हैं। हम मांगने के लिए बैग भी जनरली यूज करते हैं, बट बैग जब हम और ज्यादा पोलाइट वे में, जब हमें किसी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, हमें ऐसा दिखाना है, तब हम बैग का यूज करते हैं। आस्क का मतलब जब हम एक नॉर्मल फॉर्म में किसी से कुछ मांगते हैं, उसके लिए हम आस्क का यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी आस्क के जो दोनों फॉर्म्स हैं वो होते हैं आस्क्ड एंड आस्क्ड। नेक्स्ट इज अराउंड। अराउंड का मतलब घूमना, किसी चीज के चारों बार घूमना, बोलते हैं टेक अराउंड, टर्न अराउंड, यानी घूम जाओ, तो वो होता है अराउंड। तो इसके भी जो फॉर्म्स होते हैं वो होते हैं अराउंड एंड अराउंडेड। नेक्स्ट, सो हम इस वीडियो में 30 मीनिंग्स कवर करने वाले हैं, हम 22 कवर कर चुके हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव अब्सॉर्ब। अब्सॉर्ब का मतलब होता है सोखना कोई चीज, जैसे कोई कपड़ा है वो पानी सोख लेता है, दैट इज कॉल्ड अब्सॉर्ब। अब्सॉर्ब के जो नेक्स्ट टर्म्स होते हैं वो भी होते हैं अब्सॉर्ब एंड अब्सॉर्ब। नेक्स्ट वी हैव एड। एड का मतलब होता है कोई सहायता देना, जैसे हम कहते हैं फर्स्ट एड, यानी पहली सहायता जब हम कोई चोट लगने पर देते हैं वो होता है एड का मतलब। एड का मतलब सहायता देना। इसके भी नेक्स्ट टर्म होते हैं एडेड एंड एडेड। अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का मतलब आकर्षित करना, कोई सी चीज से जब हमें कोई चीज अच्छी लगती है उससे अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट वी हैव अट्रैक्ट, आकर्षित करना, अट्रैक्टेड एंड अट्रैक्टेड। अनॉय। अनॉय मीन्स चिढ़ाना किसी को, एंड अनॉयड एंड अनॉयड। Apologize, apologize, क्षमा करना, apologized and apologized. Approve, approve, अनुमोदन करना या किसी को सहमति देना, approved and approved. Applaud, किसी की प्रशंसा करना, applauded and applauded. Apply, आवेदन करना, applied and applied. So here we have completed 30 meanings. In the next video we will complete the next 30 meanings.